मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स, ये एक साइफाई एक्शन एडवेंचर सीरीज है जो एप्पल प्लस पर अब कंप्लीट रिलीज हो चुकी है और अब फाइनली मैं ये सीरीज कंप्लीट देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना को टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। इस सीरीज में 2014 में रिलीज हुई गॉडज़िला फिल्म के इवेंट्स को फॉलो किया गया है। तो अगर आप लोगों ने 2014 में रिलीज हुई गॉडज़िला फिल्म नहीं देखी है तो देखना चाहें तो देख लें, अगर नहीं भी देखेंगे तो भी आप इस सीरीज की कहानी को फॉलो कर लेंगे, आपको कहानी फॉलो करने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन ये सीरीज कनेक्ट है 2014 में रिलीज हुई गॉडज़िला फिल्म से। तो अगर आप इस सीरीज को देखने से पहले कोई भी गॉडज़िला फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर बस आपने 2014 वाली गॉडज़िला फिल्म को देखना है। बाकी इस सीरीज की कहानी में आप एक लड़की केट की जर्नी को फॉलो करेंगे जो अपने भाई के साथ मिलकर अपनी फैमिली के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क के साथ कनेक्शंस के बारे में जानने की कोशिश कर रही है और केट की यही तलाश उसको ले जाती है मॉन्स्टर्स की दुनिया में। और फिर कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर काफी मिक्स रहा है। ये सीरीज हमें कुछ पार्ट्स में तो जरूर एंटरटेन करती है, इस सीरीज का स्टार्ट अच्छा है और इस पूरी सीरीज में हमें कुछ अच्छे इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग तरह के कुछ कूल मॉन्स्टर्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मोमेंट्स इस सीरीज में काफी कम है। तो अगर आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ इस सीरीज को देखेंगे कि आपको ऑलमोस्ट हर एपिसोड में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, उनके बीच फाइट देखने को मिलेगी, तो फिर आप काफी डिसअपॉइंट होंगे ये सीरीज देखकर, क्योंकि ये सब कुछ इस सीरीज में काफी कम है। लेकिन हाँ, जो एंडिंग है इस सीरीज की, जिस पॉइंट पर आकर ये सीरीज एंड हुई है, वो एंडिंग देखकर आप बोल सकते हैं कि हाँ सीजन 2 में हमें काफी मजा आने वाला है। एंडिंग सीजन 1 की मुझे पसंद आई है। बाकी ओवरऑल सीजन 1 की कहानी की बात करें तो देखो सीजन 1 में अभी ज्यादातर फोकस ह्यूमन ड्रामा पर किया गया है और ह्यूमन कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट पर किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम इस सीरीज के साथ यह है कि जो ह्यूमन ड्रामा है सीरीज का या जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं सीरीज के, उन सब में कोई खास मजा नहीं है। जो ह्यूमन ड्रामा है इस सीरीज का वो काफी प्रेडिक्टेबल सा है और उस ड्रामा को इस सीरीज में काफी स्ट्रेच भी किया गया है। और दूसरी तरफ जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं वो भी कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं है, उनमें कोई खास इमोशनल डेप्थ नहीं है, इसलिए उन कैरेक्टर्स को फॉलो करने में कोई खास मजा नहीं आता है और ना ही उनसे कोई इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो पाता है। और ये जो ह्यूमन ड्रामा और कैरेक्टर्स का वीक होना है और सीरीज की जो लेंथ है उसका जरूरत से ज्यादा बड़ा होना है, उसी वजह से सीरीज का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफी फीका पड़ जाता है। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं सीरीज में वो डिसेंट हैं, सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ अच्छा है। इन शॉर्ट मेरी नजर में इस सीरीज का सीजन 1 एक ब्लो एवरेज एक्सपीरियंस है। ऑल्दो ये सीरीज हमें कुछ पार्ट्स में जरूर एंटरटेन करती है और मैं जरूर चाहूंगा इस सीरीज का सीजन 2 भी देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सीरीज का सीजन 2 सीजन 1 से ज्यादा मजेदार होगा। और अभी मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को काइजू जॉनरा पर बने शोज देखना बहुत पसंद आते हैं, खासतौर पर अगर आप लोग गॉडज़िला के फैन हैं, तो फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए अपने टाइम पास के लिए सीरीज को देखना चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज होने का वेट कर लें, जब इस सीरीज का सीजन 2 रिलीज हो जाए तो उसके रिव्यूज देखकर आप फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस सीरीज पर अपना टाइम लगाना चाहिए या नहीं। और हाँ, ये सीरीज चाहे तो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन कुछ किसिंग सीन्स आपको इस सीरीज में जरूर देखने को मिलेंगे। और अभी सीजन 1 में कहानी खत्म नहीं हुई है, सीरीज का सीजन 2 आएगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।